सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल व्लॉग वाली। और आज हम सुबह सुबह तैयार होके जा रहे हैं अपनी ईद के लिए मेन आउटफिट लेने, फाइनली अपनी शॉपिंग करने जा रहे हैं। हम सो एक्साइटेड, आर यू ऑल्सो? और अपने साथ में ले जा रही हूँ अपने सिस्टर को, क्योंकि ये सबसे अच्छे कपड़े पसंद करती है। तो हम लोग बस जा रहे हैं जहाँ से हमें लेना है, एंड विल पूरी वीडियो देखिएगा, मज़ा आएगा यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत दिन का मिला मिला के मैं बनाऊँगी ऑफकोर्स ये वीडियो। तो बस चलते हैं, आई एम एक्साइटेड ऑल्सो। भाई को खुद याद नहीं रहता कि कौन सा पीस कहाँ पर रखना है, कहाँ पर है, कौन सा साइड करना है। राजन भाई, यहाँ पे वो पीस नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए था, जिससे आज जिस एंड माय ऑल टाइम फेवरेट ब्रांड है उसमें आ चुकी हूँ। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शन। सबसे पहले मैं कलेक्शन दिखाती हूँ बहुत सारे, देखते हैं और पसंद कौन सा करेंगे वो भी दिखाएंगे आपको। तो कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हैं, बट मुझे बहुत लाइट लग रहा है, देखते हैं कुछ और बताओ दूंगी कौन सा वाला अच्छा लगेगा। मुझे रेड, ये तो बहुत ही दुल्हन वाला कलर हो जाएगा, बट अच्छा है पीस, बहुत बहुत अच्छा। ऐसे लोन के भी सूट्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और ये मेरी बहन का फेवरेट पेपलम, जो बहुत दिन से देख रही थी, बताना नहीं है लेकिन अब इसको मन नहीं कर रहा ना, छोटा लगेगा लेकिन पीस बहुत अच्छा है ये भी। यप, तो बताओ ना, आई एम सो गेटिंग कंफ्यूज्ड। ये देखो, ये उमरा वाले पीसेस है, उमरा ने पहने हुए कुछ पीसेस तो बहुत अच्छे हैं इसमें भी। ये देखो, वर्क बहुत अच्छा है। ये देखो पर्पल, इसका वर्क बहुत ही प्यारा है, बस शादी में पहन के चले जाओ। आ जाते हैं और पीसेस देखते हैं। एक तो लोन का सूट लूंगी, मैंने ये सोच के आई हूँ, मैं सोच के आई हूँ ये एक मैं लोन का सूट लूंगी और एक तो दो सूट चले जाते। पहले हम लोन का सूट पसंद करते हैं। मुझे समझ में आ रहा है, पूरे दो महीने इन्होंने मुझे क्यों टलाया है कि नो यार। अरे कलेक्शन भी खत्म हो रहे हैं ना, कलेक्शन था थोड़े से, क्योंकि हम बहुत लेट आए हैं, आज संडे है और तीन दिन बाद ईद है। और एक ये सही लग रहा है, इसका और कोई कलर है? इसके और कलर भी है, इसके कलर सही है। ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा लाइट होता तो और अच्छा लगता। इसका लाइट कलर देखते हैं। यहाँ पे क्राउड भी है, सुबह सुबह तो सुबह सुबह क्राउड है, हम 12 बजे आए हैं लेकिन क्राउड देखो। White? How is the white? एक तो वैसे ही जो लाइट थी, एक मेरे लिए। ये सारे लोन के सूट्स हैं। अरे आई लाइक दिस वन, ये अच्छा है, अच्छा है। एक ग्रीन बहुत वायरल है। नो ऑफ सॉरी, ये देखो ये गरारा, ये भी बहुत वायरल है यार, समझ नहीं आ रहा। अभी देखते हैं क्या लूट, क्या लेंगे अब वो दिखाएंगे ईद वाले दिन। कर लिया अपना ट्रायल रूम सेटअप, सारे कपड़ों की आदत दी है, बस एक्साइटेड। सो बहुत सारे कपड़े मैंने ट्राई कर लिए हैं और कुछ कपड़े मैंने सेलेक्ट भी कर लिए हैं, वो मैं दिखा दूँ नहीं दिखाऊँ, मैं सोच रही ईद के दिन दिखाऊंगी तो थोड़े बहुत जिसके। एंड फाइनली आई बॉट द सूट फ्रॉम ब्रांड वेयर हाउस, माई फेवरेट स्टोर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस चलते हैं हम यहाँ से, ये घर पे जाके दिखाएंगे, ये ईद वाले दिन आपको देखने को मिलेगा। चलो बाय। नहीं एंड गाइस, हो गई मेरी शॉपिंग, मैं इतनी खुश हो रही हूँ यार, मतलब मेरा फेवरेट सारे कलर्स वगैरह सब, बस कलर से रिव्यू कर सकती थोड़ा बहुत, ये देख लो ईद पे पहनूंगी इंशाल्लाह। आई एम सो एक्साइटेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी बहन जिसने मुझे सिलेक्ट कराया। अब चलते हैं मम्मी की शॉपिंग कराने बटला हाउस, पहले मेरा प्रिंट आउट। मेरे क्यूट सब्सक्राइबर्स, हेलो, यहाँ पे मिल गए मेरे बहुत प्यारे प्यारे फॉलोअर्स अयान और अफान, हेलो। और ये मेरी बहन के टेंट्रम्स, इसका भाई स्टेशनरी का कोई शॉपिंग कंप्लीट ही नहीं होता, इसने बोला कि मेरे लिए 2 घंटे उसने वहाँ पे शूट किया है, हमने शॉपिंग करी है, हमने एक वहाँ पे एक स्टोरी भी शूट किया। तो बस अब ये इसका बदला ले रही है, धूप में मुझे घुमाएंगे, वैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है यार। देखो यार, शॉपिंग वॉपिंग अपनी जगह पे, लेकिन घर की इफ्तारी अपनी जगह पे। तो बस मैं आ चुकी हूँ किचन में इस वक्त, और टाइम आप देख सकते हैं 5 बज रहा है, बटला उसके प्लान कैंसिल हुआ था, हम चले गए थे 4 नंबर ठोकर, वहाँ पे हमें कुछ काम था, वो हुआ नहीं। खैर फिर घर पर आके हमें थोड़ा आराम आराम किया और अब हम लग चुके हैं किचन में। एंड टूडे आई एम मेकिंग ब्रेड पकौड़े। गाइस वैसे मैं अच्छी कुक हूँ यार, ऐसे मत बोलो, तुम लोग को लगता है मैं बस घूमती हूँ बाहर का खाती हूँ, ऐसा नहीं है। आई एम अ गुड कुक, आई एम अ गुड शेफ एज वेल। चलो बनाते हैं ब्रेड पकौड़े, साथ में आई एम गोइंग टू मेक चिकन समोसा और शावरमा। मेरी ने एक बड़ी खूबसूरत सी आदत है,
मैं जितना काम करती हूँ उतना ही बनाती हूँ, लेकिन हाँ उसके बाद फिर साफ कर लेते हैं। मेरे यहाँ पे क्या रेडी कर रही है, आलू क्या बना रही हूँ, डेजर्ट बना रही हूँ, बड़ी टेस्टी सब कुछ, ये समोसे के आलू। एंड इस वक्त मैं हूँ किचन में, बस टाइम स्टार्ट हो गया किचन का, किचन में कुछ काम निपटाएंगे और फिर मैं बहुत सारा काम है आज, तो यहाँ मैं बना रही हूँ चने, यहाँ बन रहा है वड़ा और बनाने वाली हूँ पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें बनने वाली, तो लेट्स गो। और बस मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर दूँ कि मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, बट सच में टाइम नहीं मिल रहा, बट हाँ इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स करूँ, बिकॉज लोग मेरे से अपडेट्स पूछते रहते हैं किधर है कहाँ है, क्योंकि रील इज लाइक मतलब मैं पूरी लाइफ तो शेयर नहीं करती हूँ वहाँ पर रील पर, तो मैं बस वो शेयर करती हूँ जो वीडियोज़ बनाती हूँ मैं जाके, कॉन्टेंट शूट करती हूँ, बट पीपल वॉन्ट टू नो कि वेयर आई एम, वट आई एम डूइंग अपार्ट फ्रॉम माई कॉन्टेंट्स। तो बस मैं सोचा कि ब्लॉगिंग भी करते हैं और बस दिन की शुरुआत करते हैं। कल है अलविदा जुम्मा, उसकी प्रिपरेशन करेंगे और बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारी करनी है। अलविदा जुम्मा की जो ड्रेस है वो मेरी मम्मी सिल रही हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड, उसकी कुछ चीज़ें मैं लेकर आ चुकी हूँ, कुछ चीज़ें रह रही हैं तो वो भी लेकर आएंगे। अभी चलते हैं स्टूडियो। सो गाइस यहाँ पे हम जा रहे थे काम से बाहर और अभी किराए पर रुकी थी, यहाँ पे मिल गए मेरे प्यारे, सलाम मिल गया, सलाम बोलो, कहाँ से आ रहे हैं हम, जल्दी बोलिए, मदरसे से बोल रहे हैं भाई, ये बहुत इंटेलिजेंट है। अब कल कहाँ जा रहे हो, दादी के पास जा रहे हैं, कल कल ही तो जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, तैयारी हो गई ईद की, हाँ ईद के कपड़े आ गए, अरे वाह अरे वाह, अब तुम्हारे घर आऊंगी फिर इंशाल्लाह। और गाइस और मेरी दोस्त आ चुकी है अर्षा के लिए ईद का प्यारा सा गिफ्ट, ये शादी के कार्ड के साथ, कहाँ शादी का कार्ड, किधर है, ऑनलाइन है ना वो, और ये आ चुकी है और एक बेचारा था हमारे घर बैग लेकर रो रहा है, क्या हो गया तुम्हें, 350 रुपए, अबे भाई इसको 350 दे रहे, बैग रो रही। सो गाइस ये है मेरा अलविदा जुम्मा का आउटफिट रेडी हो रहा है, ये मेरी मम्मी ने स्टिच किया है और ये कपड़ा जो है मैं वहाँ से लाई हूँ, अपने घर के जस्ट पीछे उनका शॉप है, और ये लेस मैं लाई हूँ कल बिटला हाउस से, और ये हो रहा है तैयार, आई एम सो एक्साइटेड टू वेयर दिस, लेकिन अभी मुझे इसकी थोड़ी टेंशन हो गई कि मैं इसके साथ क्या लगाऊँगी, मतलब पैर किससे करूँगी, वैसे मैं अगर वाइट लगाना चाहूँगी तो वाइट के साथ ये फिर लेस नहीं दिखेगी, सो आई एम थिंकिंग टू गो विथ दिस कलर, ब्लू कलर का कुछ लेगिंग्स या फिर कुछ लेकर आती हूँ, पैंट सिलने को मम्मी से पूछती हूँ क्या सही रहेगा, बाकी लेस तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो आई एम एक्साइटेड कि कैसा रेडी होता है ये पूरा आउटफिट तैयार होकर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप, से उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, आपके दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, और बस वी आर गोइंग फॉर नमाज। सो गाइस इफ्तार डन, सोना डन, सब कुछ डन, नाउ गोइंग टू बटला हाउस, यहाँ से भीड़ देख रहा है, लोगों के सर देख रहे हैं, मेरे पीछे आप भीड़ देखिए, टिक नहीं रहा कुछ, टिक नहीं रहा, मतलब हद है यार, बहुत खतरनाक भीड़ है। वैसे हम बटला हाउस आए हैं सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए और शॉपिंग भी करने के लिए, मम्मी का काम है कुछ, और कुछ क्रॉकरी भी लेंगे हम, कुछ किचन के चीज़ें लेंगे, ओवर एक्टिंग कर रही हूँ आप बट नहीं लेंगे, पता है मैं सो गई थी इफ्तार करके और हम एक घंटा लेट है, बट फोर पे आती है, हम भाभी के साथ आए हैं, तो भाभी जब आती है हमारे साथ तो हमारे पास प्राइवेसी वो रहता है, परमिशन रहती है, हम 12-1-2 बजे तक घर जा सकते हैं, तो #भाभी प्रो। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं अम्मी के लिए, वैसे शॉपिंग हमने थोड़ी कर ली है, बस मेरे ब्लॉग बहुत देर से स्टार्ट हुआ है, हम ले रहे हैं मम्मी के लिए प्यारी सी और मेरी बहन के सौ, बट दिस लुक सबसे ब्यूटीफुल, ये अलग ही लग रहा है। तो ये सारे हम देख रहे हैं, मम्मी का दुपट्टा है, कपड़ा रिवील कर दिया हमने पहले ही, मेरी अम्मा मारेंगे मुझे जरूर, ओए हटो तो जो कहो, ये बहुत ज्यादा है फिर, ये देखो अच्छा। और ये ज्वेलरी हम ले रहे हैं अल अहमद ज्वेलर्स बटला हाउस, यहाँ पे और भी कलेक्शंस हैं बट हमें अम्मी का सिंपल लेना है, वाओ बहुत प्यारा भाभी,
हम नूरीन के लिए जा रहे हैं। नूरीन के सपनों पे पानी पड़ता हुआ। इसका बैग नहीं दिख रहा यहाँ पे। नहीं वो सब छोड़ो, तुम पहले यहाँ की भीड़ देखो। नेक्स्ट लेवल वाली ना, ये अलग ही लेवल की भीड़ है यहाँ पे। आप 3 दिन वाली भीड़ अलग ही है। और यहाँ हम ले रहे हैं कैरी बैग फ्रूट्स, ये सब। हेलो, हाय हाय, ब्लॉग में आ गई मैं। यहाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये छाटो आधे रिटू में लेके जाओ भाई, चलो भाई, ईद के तोहफे आ गए। आधे रिटू में भाई ये देखो भाई, आधे रेट पे बिकने वाले सूट। एंड माशाल्लाह माशाल्लाह फुल फ्लेज और भाई सब हम हो गए, थक गए हैं। अब हम पानी पियेंगे, पानी पीते हैं। ये पानी अपने घर से अल्लाह का शुक्र है तुम्हारे हाथ से। ये मेरे खाओ, तुम मेरे खा रहे हैं। थोड़ी अच्छी है, इससे बड़ा दे दो। मम्मी कैसे बोल रही है, थोड़ी उनकी छोटी हो गई है। ये क्या लग रहा है, ये मम्मी के सूट के साथ जा रहा है। ब्लॉग बन जाएगा मेरा पहले अभी, लेकिन हम ये जो बात सही है, हमें चूड़ी दिखा रहे हैं। नहीं भाई, ये आदमी के साथ बैठा था भैया, भाई आराम से फोन भी मत करना मैडम। भाई जो कोई की बोल, बहुत एनर्जी है भाई। रोजा था तुम्हारे छोटे, रोजा था, रोजा नहीं था बिलाल। ओहो, बिलाल ने लड़ा लिया और छोटे ने ढूंढ निकाला है चूड़ी। अरे हीरो लग रहा तुम, बाल वाल सही कर रहा भाई लड़का। बिलाल बिलाल फाइनली हमने खरीद लिया यहाँ से चूड़ी। अब जा रहे हैं हम बाहर, चूड़ी की दुकान में बहुत दूर है। हाथ में रख करो अंकल, थोड़ा साइड दीजिए। और यहाँ पे मिलेंगे ये भैया और इनकी बहन, दो लोग मिलेंगे। और अभी हम चलते चलते आ गए अपने बहुत ही फेवरेट स्टोर एट फैब फरीदा। बहुत ही प्यारा स्टोर है यहाँ पे। जो अप्पी है वो सबसे ज्यादा अच्छी है। जब ये वीडियो देखेंगे तो भाई अस्सलाम वालेकुम आपको, और बहुत सारा प्यार आपको। वैसे मैंने आपके सीसीटीवी कैमरे में आपको सलाम कर दिया है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से जवाब दे दीजिएगा। और इनका यहाँ पे शॉप पे तो भाई मजा आ जाता है, मतलब एक अपनापन जो है ना वो यहाँ पे मिलता है। एंड यू कैन सी फैब फरीदा के नाम से इनका स्टोर है, बटला हाउस हाजी कॉम्प्लेक्स में। इनकी रील ऑलरेडी शूट कर चुकी हूँ। और मतलब इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग, मतलब आके यहाँ पे काम करके जाओ, लेकिन यहाँ पे अलग ही प्यार मिलता है। तो थैंक यू ऑल, द होल टीम इज हेयर फैब फरीदा की। थैंक यू, इंशाल्लाह ईद के बाद मिलते हैं आप सबसे। चलो बाय, अब चलते हैं आगे। भाई और बहन और मेरी भाभी वेट कर रही हैं। चलो बाय। मेरे प्यारे प्यारे फॉलोअर्स मिल रहे, देखो। अब मेरी भाभी पता नहीं किधर है, देखती हूँ मैं कहाँ पर है। बोलो, मैं कॉल करती हूँ उन लोगों को। वो कहते हैं ना अभी अभी किसी को याद करो और कोई मिल जाइए। देखो अभी इनके स्टोर पे गई थी और ये मिल गई। अरे थैंक यू अप्पी। और भाई बिरयानी जान लेवा, ऐसी बिरयानी, मतलब वो भी मैं स्टोर की तारीफ कर रही थी। मैं स्टोर में ये बता रही थी कि ये वो वाला नहीं है कि मैं सिर्फ जाती हूँ और वीडियो बना के, ये अपनापन जो आता है ना वो तो प्यार देते हैं आप लोग। अरे चलिए थैंक यू, मैं भी आ रही थी इधर से। मैं बोली अरे आपकी देख के मैं भाई, मतलब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे शूट के लिए आई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो वीडियो है वो हमारा फोन लॉस हो गया, उसमें मिस हो गया वो सारी कॉन्टेंट, इसलिए हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए। तो मैं इसके लिए सॉरी बोलने आई थी, लेकिन बिरयानी वॉज लेट। थैंक यू, इंशाल्लाह फिर दोबारा जरूर। थैंक यू सो मच। चलो अल्लाह हाफिज़। भाई साहब मतलब बटला हाउस इस वक्त अगर आप आ गए बेहोश ही होके जाओगे वापस, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, हद लेवल। मतलब सुबह जो मैं एक्साइटमेंट से शॉपिंग करने गई थी ईद की, अपने कपड़े वपड़े की, अब हो गया लॉल्स। एंड दिस इज द क्राउड। भाई साहब भीड़ देखो, देयर इज नो स्पेस टू स्टैंड एट लीस्ट, और लोग बस चल रहे हैं। ये लोग कुछ लोग मुझे पहचान गए हैं, लेकिन एक अलग ही वाइब है जो ओखला की, वो है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बटला हाउस के अंदर। और जो लोग की क्या बोलो, इट्स अ वाइब यू कैन से।
इन रमजान। ऑफकोर्स रमजान के बाद इतनी भीड़ नहीं होती यहाँ पर, बट रमजान में ही इसका क्राउड और इसका वाइब रहता है यहाँ पे, दैट इज गुड एंड ग्रेट। तो बस चलते हैं, हम भी नीचे शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। दो सब्सक्राइबर और मिल गए, थैंक यू सो मच। और अब हम जा रहे हैं लखनऊ चिकन हाट, इस बार मैं बहुत बार ही आ चुकी हूँ। अच्छा लग रहा है, वही देख लेंगे। आ गए खारी और टोस्ट की शॉप, ये मोस्ट फेमस खारी एंड टोस्ट की शॉप, हाफ के जी खारी हाफ के जी टोस्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप ही हैं, सुपर टेस्टी बनाते हुए आ रहे हैं, देखो आपकी शॉप की वीडियो बनाते हुए आ रहे हैं। आप तो मुझे पहली बार दिख रहे हैं, वहाँ पे रहते नहीं होंगे आप, मैं समझ गए। लो भाई यहाँ पे भी मेरे प्यारे से फॉलोअर मिल गए, चलिए दे दीजिए भाई। नूर बिठा देते हैं बेचारे का बनना। फ्री से हो गई हमारी शॉपिंग, पापा एंड टूर, पापा की फरमाइश, अब चल रहे हैं हम आगे। ओके भाई लाफ है, नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम सेवैयां। और यहाँ से पूछ रहे हो अटकी हुई भीड़ वो अटक जाती है ना, ऐसे क्यों रहे हैं। अब हम आ गए हैं प्याली देखने, मुझे मतलब मम्मी का ये क्रॉकरी लेने के लिए आ गए। ये हाँ हाँ अच्छा, अब नंबर ले लीजिए, कर लीजिएगा आप। हमने ले लिया अपने प्यारे का जैसे बर्तन, और ये इतने प्यारे मैंने ये लिया है डिश सर्व करने के लिए, दिस वन। और कप भी लिए, प्याले भी लिए। अच्छा हमने एक कप भी लिया था, सो शॉप बहुत प्यारी है, कर दीजिए मैं बस पेमेंट कराती हूँ। अब जल्दी रेट लगाओ इसका, हमें ये पसंद आ जाओ, सब्सक्राइब करो चैनल आ जाओ। और हमने शॉपिंग कर ली न्यू सुपर बाजार से, बहुत सारी औरतों वाली शॉपिंग करी हमने यहाँ पर, बहुत सारे बर्तन ले लिए। ये देखो लुक एट द स्टॉक, ये भी रहा, भाभी दिखाई अपना सामान भी। और आज हमने औरतों वाली जैसी शॉपिंग करी, कसम से भाई साहब, मतलब इतने बर्तन की शॉपिंग करता कौन है। भाभी इधर आगे निकलिए, बहन को दे दो भैया को, थोड़ा पैसे नहीं है अंकल, हाथ दोनों बिजी है अभी, पैसा बचा ही नहीं है। और यहाँ पे हमने लिए दस्तखान की शॉपिंग कर ली। ये शॉपिंग की है हालत, भाई बहुत थक गए कसम से। और टाइम देख लीजिए आप, 12:52 हो रहा है और हम थक गए हैं, बट नाउ गोइंग बैक टू होम। अभी मम्मी को सारे सामान दिखाएंगे, क्रॉकरी ने हमारी हालत खराब कर दी। आए थे हम सिर्फ आए थे एक कुछ चेंज